हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हो तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप अपने पर्सन की एनर्जीज के लिए कार्ड्स देख सकते हैं, किंग ऑफ ऑटम एंड सिक्स ऑफ समर। तो यहाँ पर इस कार्ड में लिखा है बी असर्टिव व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू नो इज राइट, एवरीथिंग गोइंग योर वे, अ गुड पर्सन और कंपनी टू वर्क फॉर। एंड ऑन द अदर हैंड सिक्स ऑफ समर टॉक्स अबाउट चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, द रिटर्न ऑफ पीपल और रोमांसेस फ्रॉम योर पास्ट, रिमेंबरिंग इवेंट्स डिफरेंटली इन अ बेटर और वर्स लाइट दैन हाउ दे रियली अकर्ड। तो यहाँ पर हो सकता है एक रिकंसिलेशन या एक रीयूनियन आप लोगों के बीच में हुई होगी आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर आप लोगों की सेपरेशन चल रही थी, ये एक सिनेरियो हो सकता है। या फिर एक जो अनदर सिचुएशन है वो ऐसी हो सकती है कि आपके पर्सन आपके साथ रिकनसाइल होना चाहते हैं। अगर ये आपसे दूर रहते हैं या फिर दूर जा चुके थे, आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया था, तो आपके पर्सन यहाँ पर एक रिकनसिलेशन में आना चाहते हैं। या फिर जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी यहाँ पर किसी लोगों का रिकनसिलेशन हो चुका है। तो हो सकता है आपके पर्सन खुद को इस फीलिंग से इवन रेजिस्ट कर रहे होंगे और इस फीलिंग से भागना चाहते होंगे, क्योंकि कनेक्ट ऐसा होता होगा आप दोनों के बीच में जो आपके पर्सन इस ओवरवेलमिंग फीलिंग्स को हैंडल नहीं कर पाते होंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर एक पुश एंड पुल या फिर एक ऑन एंड ऑफ चल रहा होगा। जब कभी भी ये पर्सन आपसे टकरा जाते हैं, इनके लाइफ में सब कुछ एक तरह से उथल पुथल सा हो जाता होगा, जैसे कि नॉट इन अ नेगेटिव वे। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं, इन्होंने कुछ गोल सेट किए हैं, इनके फैमिली में अगर यही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिन पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, अगर इवन ये किसी कंपनी के मालिक हैं और वहाँ पर इन्हें सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, बट जैसे ही ये आपके कनेक्ट में आ जाते हैं, ये अपने हो सकता है मेन गोल से हटने लगते हैं। और यही रीज़न है, यहाँ पर यही वजह है कि आपके पर्सन हो सकता है हर बार एक सेपरेशन बना लेते होंगे आपके साथ, ये भागने की कोशिश करते होंगे और ये सोचते होंगे कि जब तक ये अपने लाइफ में कुछ बन नहीं जाते या फिर कुछ स्टैब्लिश नहीं कर लेते, भले ये किसी भी फ्रंट पर हो सकता है, अगर आपके पर्सन इवन अपनी हॉबीज़ पर भी काम कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट्स पर भी काम कर रहे हैं, तो इन्हें लगता है कि आप इनके लिए एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो, एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन जहाँ पर ये सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब लाइफ का एक जो स्ट्रगल होता है, उस स्ट्रगल को ये भूल जाते हैं और इनको लगता है कि आप ही के साथ ये रहें और बाकी सब कुछ ये भूल जाएं, आपकी एनर्जी में ये फ्लो होते जाएं और दूसरा इन्हें कुछ भी याद ना रहे। और इनको लगता है कि इस तरह से मेरा सोचना मुझे मेरे गोल से दूर कर देगा। तो आपके पर्सन एग्जैक्टली यही सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके साथ इन्हें एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी महसूस होता होगा कि इवन बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ से भी कनेक्शंस को कैरी करके लेकर आते हैं इस जन्म में। अगर वहाँ पर आप दोनों की कंप्लीशन नहीं हुई होती है, तो आप इस जन्म में एक दूसरे को या तो वो कंप्लीशन देने के लिए आते हैं या फिर जो भी गिव एंड टेक है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस करने के लिए आते हैं। तो इस पर्सन की वाइब मुझे ज़्यादातर आपके सोलमेट्स की नज़र आ रही है। इवन ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो जिस तरह से भी आपके साथ ये जो शिफ्ट है मैच कर सके। इवन इस पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जीज हैं हम रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे ही, लेकिन यहाँ से मैं आपको एक बात यही बता सकती हूँ कि आपके पर्सन आपसे एक रेजिस्टेंस के साथ साथ एक पैशन और एक कनेक्टिविटी भी सेंस कर रहे हैं।
अगर मान लो इस दौरान आपके पर्सन ऑल ऑफ अ सडन एक तरह का पाउज आपके साथ बना लेते हैं, तो रीजन यही है कि ओवरवेलमिंग ऑफ द एनर्जी, जब कभी भी आप इनके पास जाकर इनसे बात करते हो, इनसे अपने प्यार का इजहार करते हो, तो आपके पर्सन खुद को रोक नहीं पाते और इन्हें हो सकता है आपकी तरफ रेसिप्रोकेशन या एक जो रिस्पॉन्स है वो देना ही पड़ता होगा। बट आप जब इनसे दूर रहते हो तो शायद बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में नॉर्मल रहती हैं। जैसे ही आप इनकी लाइफ में कम बैक करते हो तो एक तरह का अट्रैक्शन, एक तरह का पैशन इनके अंदर बिल्टअप हो जाता है और इन्हें लगता है कि इनकी जो लाइफ के अदर एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र होने लगते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा असर्टिव होता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, फोकस्ड होता है, ऐसे लोग पहले अपने उन सारे गोल्स को अचीव करने पर बिलीव करते हैं। दैट्स व्हाट योर मैस्कुलिन बिलीव्स, और इनका जो पैटर्न है प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर ज़्यादातर बना हुआ है। तो ये मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ। आपके पर्सन चाहते तो हैं आपके साथ इसी तरह की कनेक्टिविटी और एक सूदिंग एनर्जीज में बने रहें, लेकिन इनका जो माइंड है, जो इनका 3D सेल्फ है, वो इन्हें अलाउ नहीं कर रहा होता। तो ये इनकी एनर्जीज है। ऑन द अदर हैंड प्रिंसेस ऑफ ऑटम की एनर्जीज आपकी बनी हुई है यहाँ पर। इस कार्ड में लिखा है हैप्पी न्यूज अबाउट योर करियर, प्रमोशंस और स्कॉलरशिप्स, वेल थॉट आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। हो सकता है आप अपने पर्सन की एंड की सारी बातें अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या जानना चाहते हैं। इवन अगर ये आपके बारे में कुछ जानना भी चाहते हैं तो आपके आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं, ये भी आप इस बात को लेकर भी आप क्यूरियस होंगे। इस सिचुएशन को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, मतलब यहाँ पर कुछ पैटर्न्स आपको डिफरेंट लगते हैं। मतलब अगर आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स रहे थे तो जब आप अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स के पैटर्न्स को इस पर्सन के पैटर्न्स के साथ कंपेयर करते हो तो यहाँ पर बहुत कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर आपने एक ऐसी चीज शायद स्टडी की होगी, नोटिस की होगी कि जब कभी भी आप यहाँ पर गिविंग बनते हो तभी आपको रिसीव होता है। जब आप यहाँ से एक विड्रॉल वाली एनर्जीज में चले जाते हो तो आपको भी अपने एंड पर सब कुछ खाली सा लगने लगता है। तो ये ऐसा कनेक्शन है ना, जितना दोगे उतना हासिल करोगे, लेकिन ट्विन फ्लेम्स में ऐसा नहीं होता। आप वहाँ पर जब देते हो तो आपके लिए रिसीविंग के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर एक अलग ही सिनेरियो बना रहता है। जो आपके पर्सन आपकी तरफ दे रहे होते हैं दैट्स अनदर थिंग, और आप जो अपने पर्सन की तरफ दे रहे होते हैं वो कम्प्लीटली एंटायरली अलग चीज़ है। जैसे कि मान लो अगर आपके पर्सन आपको ट्रिगरिंग के तौर पर कुछ लर्निंग्स दे रहे हैं, ऑन द अदर हैंड आप उन्हें उनके लर्निंग्स में, उनके लाइफ के पैटर्न्स को हील होने में मदद करते हो बाय गिविंग देम लव, केयर, नर्चर, वो एक अलग ही सिनेरियो है। तो वहाँ का गिव एंड टेक बहुत अलग है, लेकिन इस पर्सन के साथ जब कभी भी आप जैसा भी कुछ देते हो वैसा ही रिसीव करते हो। जब आप इनकी तरफ गुस्सा देते हो तो बदले में आपको भी वैसी ही वाइब्रेशंस रिटर्न होती होंगी। जब आप इस पर्सन की तरफ प्यार देते हो, नर्चर देते हो, केयर देते हो, बदले में आपको भी वही मिलता है। जब आप इनको रिस्पेक्ट देते हो तो ये भी आपको रिस्पेक्ट ही देते होंगे। तो ये ऐसा कनेक्शन है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, आपको समझना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को। इसलिए मैंने कहा कि ये जो एनर्जी है मोस्टली ये सोलमेट्स की एनर्जीज हो सकती हैं। बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकन है तब ये एनर्जीज आप लोगों के लिए मैच कर सकती हैं, अदरवाइज नो, क्योंकि दिस पर्सन्स एनर्जीज ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो आपके पर्सन आपसे भागते इसलिए होंगे, ये कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में और ये पर्सन अभी कहीं पर फुल्ली डेडिकेटेड है और आपके तरफ से जो भी रिसीव करते हैं ये उस चीज़ को जब तक ये रिटर्न नहीं करते ये रह नहीं पाते होंगे, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं और इन्हें रिटर्न करना ही होता है। तो आप हो सकता है इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो इनके मेन गोल्स से, तो शायद ये इस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहते अभी फ़िलहाल के लिए। और जब आप इनके काम में, इनके लाइफ के गोल्स में जब आप इनकी मदद करते हो तो इन्हें बूस्ट मिलता है, लेकिन जब आप इन्हें डिस्ट्रैक्शन में लेकर आते हो तो आपके पर्सन हो सकता है
आपको या तो रोकते होंगे या फिर ये एक ऐसा बिहेवियर रखते होंगे आपकी तरफ जो आपके लिए अनप्रेडिक्टेबल होता होगा। इवन दो आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, आपको ये भी पता है कि ये आपसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट अगर आप पर्पजली ऐसा कर रहे हो तो ये एक एक तरह से मैं आपकी मिसच्यूस एटीट्यूड ही कहूँगी। आप शरारत करते हो इनके साथ, आप जानबूझकर इन्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहते होंगे, आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ें और इनके गोल्स को ये टेम्परेली पाउज पर ले जाएं, आप ऐसा चाहते होंगे मे बी। आप ये नहीं बिल्कुल इनसे कहोगे कि आपको अपने गोल्स पर काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हो आप ये रादर कहना चाहोगे इनसे कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो ना, कुछ टाइम मेरे साथ बिता लो, काइंड ऑफ अ थिंग, इस तरह की मैं एनर्जी देख रही हूँ। तो यहाँ पर द हर्मिट वाली एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड हो रही हैं, आपके पर्सन हो सकता है द हर्मिट जोन में जाने वाले हैं। फाइंड और बी अ मेंटर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, अ कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो एग्जैक्टली यही, जैसे कि मैंने कहा, आपके पर्सन अपनी लाइफ से, अपनी जो यूजुअल लाइफ है इनकी, जहाँ पर ये अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, करियर फ्रंट होगा इनका, उस लाइफ से एक ब्रेक लेना चाहेंगे और इस कनेक्शन के बारे में सोचना चाहेंगे। मतलब इनको भी तो इंटरेस्ट है, ये भी तो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, इनको भी वो ब्लिस महसूस करनी है, जीना है उस पल में जो पल आप क्रिएट करके देते हो। ज़रूर ऑफ कोर्स यहाँ पर आप एक लीडर होंगे इस पर्सन के लिए और आपसे आपके पर्सन बहुत कुछ सीखते भी होंगे। अगर आप इनकी इवन स्पिरिचुअल मेंटर हो, गुरु हो, बहुत कुछ आप इन्हें अंडरस्टैंड करने में मदद करते हो, या इस जर्नी को अगर आपने इन्हें लर्न करने में मदद की है, तो आपके पर्सन आपको एज अ मेंटर या एज अ गुरु देखते हैं। और ये ज़रूर अपने यूजुअल पैटर्न से, अपने यूजुअल लाइफ से एक ब्रेक ज़रूर कभी लेना चाहेंगे टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। और वंस एंड फॉर ऑल ये आपको वो कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे जहाँ पर जस्टिस लाई करता हो। एंड वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द जस्टिस, इट टॉक्स अबाउट द मैरिज एंड द कमिटमेंट। ओके, तो जस्टिस नहीं है यहाँ पर, 100% जस्टिस नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन भाग रहे हैं आपसे, ये आपसे नहीं भागते हैं। मुझे लगता है इस कनेक्शन में जो एक वॉर्म्थ है, जो एक अट्रैक्शन है, जो डीप एक दूसरे के साथ जो कनेक्टिविटी है, उसकी एक ओवरवेलमिंग एनर्जी से ये भागते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि दे आर नॉट रेडी येट फॉर दिस कनेक्शन, तो ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पर द मैजिक पोर्शन की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। आई कैन क्रिएट मैजिक एनी टाइम आई विश, तो ये आपके हाथ में है। मतलब ये जो कनेक्शन है, इसकी बागडोर टोटली आपके हाथ में है। आप जब कभी भी यहाँ पर मैजिक क्रिएट करना चाहें, वो क्रिएट हो जाता है। आप बिलीव करें ना करें, आप जहाँ पर आप जितना भी यहाँ पर देने की कोशिश करते हो, उतना ही आपको रिसीव होता है। जब आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करते हो तो आपको भी वो सुकून महसूस होता है। जितना आप इन्हें देते हो, उतना ही शायद आप रिसीव भी करते होंगे। लेकिन जब आपके पर्सन आपको मना करते हैं या फिर ये कुछ टाइम के लिए आपसे दूर चले जाते हैं, तो आपकी लाइफ खाली आपको लगने लगती होगी। और यही वजह है कि आप चाहते हो यहाँ पर आपके साथ ये कंटिन्यू करें और इनकी जो भी 3D वाली लाइफ है वहाँ पर ये पाउज लेने। तो यही लड़ाई होगी आपकी इनके साथ, इसके अलावा आपकी और इनकी कोई लड़ाई नहीं होगी। किसी बात के लिए आप लोग कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखते होंगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते होंगे। तो गाइज, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको अपने बेस्ट और हायर वाइब्रेशन में, हायर वर्जन में रहना पड़ता है, तभी ये चीज़ आपको मिलेगी। और मैंने इसके बारे में आपको परसों की एनर्जीज में बताया था कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पर। तो जितना आप यहाँ पर पॉजिटिव रहोगे, अपने कार्मिक पैटर्न से खुद को रिलीज्ड रखोगे, तब यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोसीड हो सकती हैं। अपना पर्पस नहीं भूलना है, पॉजिटिव रहना है, जितना लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ऐसा कुछ आपको क्रिएट करना है, एक मैजिक आप ही के हाथ में है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन इन अ लाइटर वर्जन, तो आप रह सकते हो, ठीक है। वॉक अवे करना यहाँ से बेवकूफ़ी है, फाइन, तो ये मेरा मानना है। फॉर द सोलमेट्स, आप ट्विन फ्लेम से वॉक अवे कर सकते हो, वहाँ पर अलग ट्रिगरिंग के लेवल्स होते हैं, अलग वहाँ पर लर्निंग्स होती हैं, वो आप कर सकते हो। लेकिन इस पर्सन से दूर भागने का मतलब ये है कि आप सच में यहाँ पर एक गैप क्रिएट कर रहे हो जिसकी ज़रूरत वैसे है नहीं। तो यहाँ पर एक
स्पेस में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बरकरार रखना सही समझदारी का काम है गाइस। ऑलराइट, तो आई होप ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा, जो लोग भी सोलमेट्स के साथ एक एनर्जेटिक बॉन्ड में बने हुए हैं। ज़रूर हम इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन जो है हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।